टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं साजिद सैफी। कोरोना कितना खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात आज हम उन लोगों से करना चाहते हैं जो कोरोना को लेकर थोड़े भी गंभीर नहीं है। यहां बात उन लोगों की जा रही है जो लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन करते देखे जाते हैं और तरह तरह के तर्क देकर सड़कों पर नजर आते हैं। लोग माहौल देखने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि कोरोना कितना घातक है। अगर बुलंदशहर की हम बात करें तो बुलंदशहर में भी अब कोरोना की दस्तक हो चुकी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के वीरखेड़ा गांव निवासी अतुल कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम आतोर शर्मा की जो कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और फिलहाल उनको अस्पताल जो कि खोजा सीएससी को कोरोना के इलाज के लिए L1 बनाया गया है उसमें एडमिट करा दिया गया है और उनके जो परिवार के बाकी 8 सदस्य हैं उनको भी एहतियातन हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है। उसके बाद 3 किलोमीटर तक उस गांव के अंदर आपको जा नहीं सकेगा और जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें ना सिर्फ इस खबर को लेकर हड़कंप का माहौल है बल्कि जिस तरह से बुलंदशहर में भी अब कोरोना की पुष्टि हुई है तो जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाना भी आम माना जा रहा है। लेकिन बात हम उन लोगों की कर रहे हैं जो कोरोना को लेकर थोड़े से भी गंभीर नहीं है। हम बुलंदशहर की बात करेंगे। बुलंदशहर से आए दिन वो तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें लोग किसी ना किसी बहाने से लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर जो लोग हैं वो आज भी बदस्तूर पहले की तरह घूमते नजर आते हैं। जब उन्हें पुलिस रोकती है या उन्हें पुलिस टोकती है तो उनके पास तरह तरह के तर्क होते हैं। वो लोग पुलिस को गुमराह कर सकते हैं, वो लोग प्रशासन को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कोरोना को बिल्कुल गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग अब तक कोरोना को हल्के में ले रहे थे उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है। हम आपको डराना नहीं चाहते, ना ही हम डरा रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। चूंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोरोना कोई ऐसा वायरस नहीं है जो किसी एक बॉडी में प्रवेश करने के बाद किसी दूसरे को ना लगे, जबकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो अगर आपके आसपास के इलाके में आ जाता है तो उसका खतरा आसपास के पूरे इलाके में बढ़ जाता है। जनपद बुलंदशहर में अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग यहां कह सकते हैं राहत की सांस ले रहा था। हालांकि एहतियातन वो सारे काम बुलंदशहर में किए जा रहे थे जो पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का अब पॉजिटिव पेशेंट कोरोना का पॉजिटिव मरीज बुलंदशहर में ही मिल चुका है तो उससे कोरोना की जहां दस्तक हुई है स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं अब नींद हराम होने वाली है। और मैं आपसे फिर एक बार यही अपील करूंगा दोस्तों, अभी भी आपको गंभीर होने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि कोरोना कोई मामूली रोग नहीं, कोरोना एक घातक बीमारी है। कोरोना के उदाहरण जानने के लिए आप चीन, इटली, अमेरिका जैसे जो तमाम मुल्क हैं उनके बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट देख सकते हैं, उनके बारे में आप YouTube या Google पर सर्च कर सकते हैं, शायद आप थोड़े से फिर उसके बाद गंभीर हो जाएं। लगातार टाइम 24 आपसे आपकी सुरक्षा के लिए, आपसे आपके परिवार के लिए अपील कर रहा है। हम चाहते हैं आप घर रहें, आप घर रहेंगे तो कोरोना की चेन टूट सकेगी। और अगर आप अब भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गूगल करिए, आप इटली के बारे में पढ़िए, आप चीन के बारे में पढ़िए, आप अमेरिका के बारे में पढ़िए, आप पाकिस्तान के बारे में पढ़िए। आप दुनिया में जब कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि कोरोना कैसी महामारी है और उसने अब तक कितने ही लोगों की जिंदगी को निगल लिया है। शायद आपको इस बात का एहसास हो और उसके बाद आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने परिवार के बच्चों को, बड़े बूढ़ों को घर में रखें और लोगों को जागरूक करें। टाइम 24 बार बार आपसे अपील कर रहा है, अब कोरोना दूर नहीं बल्कि आपके नजदीक आ गया है, आपके जनपद में आ गया है, आपके जनपद के गांव में आ गया है। अगर आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप जागरूक हैं तो उसका सबूत दीजिए, प्रशासन को सपोर्ट कीजिए, अपने घर में रहिए। बार बार सिर्फ यह बताने का आपको इतना सा मकसद है कि कोरोना अब तक हमारे जनपद से दूर था, लेकिन बुलंदशहर की ही हम बात करते हैं तो कोरोना अब बुलंदशहर में भी दस्तक दे चुका है। जाते जाते आपसे यह अपील करेंगे कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पहुंचा दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इसे देखकर जागरूक हो सके और हमारी बात अगर थोड़े से भी परसेंट लोग गंभीरता से लेंगे तो हम इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं, हम कितनी ही जिंदगियों को बचा सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।